जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आर्मी की जो फाइनल लिस्ट है, फाइनल मेरिट यानी कि रिजल्ट कब तक आएगा, जिसके अंदर फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट होगा। दूसरी बात, आपके एआरओ के अंदर मेरिट क्या जा सकती है, क्या नहीं जा सकती है, क्या सेफ स्कोर होगा, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, चाहे आप किसी भी एआरओ से हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनल आपके एआरओ के रिजल्ट के बारे में, या फिर आपके एआरओ में मेरिट क्या जा सकती है, सेफ स्कोर क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से आपको कुछ भी बता दूं। बहुत सी वीडियो आपको ऐसे मिल जाएंगी जहां पर आपके एआरओ की मेरिट के बारे में बताया गया, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं है पिछली बार मेरिट क्या गई थी, किस आधार पर वो बता रहे हैं। हमने ऐसा नहीं करना है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके एआरओ की मेरिट क्या हो सकती है, इसके लिए मैं आपसे कुछ जानकारी मांगूंगा, वो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके एआरओ की कट ऑफ के बारे में बता दिया जाएगा। पिछली वीडियो के अंदर हमने एआरओ पालमपुर की कट ऑफ के बारे में बताया था, क्या जाएगी, क्या हो सकती है, क्या नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा भाई, आपने क्या बताना है, आपने बताना है पिछली बार भाई 2023 के अंदर अपने आपके एआरओ में वैकेंसी कितनी थी। ठीक है, सबसे पहला काम तो होगा आपने एआरओ का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर 2023 में वैकेंसी कितनी थी, ठीक है, ये बताना है। और तीसरी बात, उस टाइम 2023 के अंदर टोटल कितने बच्चों ने फिजिकल और मेडिकल पास किया था। चौथी बात, मेरिट कितने पर गई थी, ये आपको पता होगा अपने एआरओ के बारे में पिछली बार का एआरओ का नाम, कितनी वैकेंसियां मिली थी, कितने बच्चे फिजिकल मेडिकल पास थे, क्या मेरिट रही थी। और 2024 के अंदर आपने बताना है कि कितने बच्चों का फिजिकल मेडिकल अब की बार पास हो चुका है भाई। ठीक है, आपने जानकारी देनी है कितने का फिजिकल मेडिकल पास हुआ है। उसके बाद हम आपको वैकेंसी के बारे में बताएंगे, कितनी वैकेंसी मिल सकती है, क्या मेरिट जा सकती है, इसके बारे में भी आपको बता देंगे। आपने कमेंट जरूर करना है। इसके अलावा आप, हम क्या करेंगे, हर एक एआरओ के, जैसे एआरओ गया हो गया, कटिहार हो गया, पालमपुर हो गया, इन सभी के हम कम्युनिटी के अंदर पोस्ट डलवा देंगे भाई, पोल करवा देंगे, पोल उसमें स्कोर दे देंगे 150 155 जिसके जो नंबर बन रहे हैं वो वहां पर बता सकता है कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये बात होगी आपके मेरिट के बारे में, आप अगर आप पूछना चाहते हैं तो आपको बता दिया जाएगा। दूसरी बात भाई, फाइनल लिस्ट कब तक लग सकती है, फाइनल लिस्ट कब तक, जो रिजल्ट है फाइनल कब तक आ सकता है। तो ध्यान से देखिएगा भाई, पालमपुर के अंदर जून के अंदर जुलाई तक फिजिकल चला है, हो चुका है। रोहतक में 10 जुलाई से 22 जुलाई तक था, चल रहा है भाई। उसके बाद हिसार में अगस्त को है, उसके अलावा बहुत सी जगह पर फिजिकल चल रहे हैं। देखिए भाई, ये सारी जगह फिजिकल चल रहे हैं। गया की बात करें, गया के अंदर भी चल रहा है, हो गया फिजिकल, मुजफ्फरपुर में चल रहा है, रांची में चल रहा है। तो आपको इतना पता है, दो बैच में अग्निवीर जाते हैं भाई, दो बैच के अंदर उनको ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। पहला बैच जाता है नवंबर के अंदर, दूसरा बैच जाता है मार्च अप्रैल के अंदर भाई, मार्च अप्रैल के अंदर दूसरा बैच जाता है, ऐसे उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ठीक है, अब पहला बैच जाएगा नवंबर, अगर पहला बैच नवंबर में जाएगा तो ध्यान रखिएगा आपका जो रिजल्ट है वो सितंबर महीने में आने की पूरी संभावना होगी, 99% होगा कि सितंबर के महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जुलाई चल रहा है, अगस्त अभी पेंडिंग है। अब आप बोल रहे हो कि हमारा तो हो चुका है जी फिजिकल मेडिकल, तो रिजल्ट अब क्यों नहीं आएगा। भाई रिजल्ट इकट्ठा आएगा काफी एआरओ का भाई, आपका फिजिकल हो गया जून में, लेकिन काफियों का फिजिकल जुलाई में चल रहा है, बहुत से एआरओ का अगस्त में भी होगा, कुछ का सितंबर में भी होगा। जिनका फिजिकल हो जाएगा, सब कुछ रिजल्ट बन जाएगा, फिर एक साथ रिजल्ट दे दिया जाएगा भाई, सितंबर की लास्ट में या अक्टूबर की फर्स्ट में एक साथ रिजल्ट दे दिया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन के बाद उनको ट्रेनिंग सेंटर के लिए भेज दिया जाएगा। तो ये जानकारी होगी रिजल्ट कब तक आ सकता है, पिछली बार भी रिजल्ट ऐसे ही आया था। और सभी बच्चे जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, छोटी से छोटी अपडेट आपको दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा भाई, लिंक कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। कोई भी जानकारी आपको चाहिए वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस जानकारी को हम बिल्कुल आपको देंगे। तो आज के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद, नमस्कार।